ओम शांति। जरा सोचें किससे हमारा नाता जुड़ा है जिसको सारा संसार भगवान कहता है। वो हमारा पिता, जो ज्ञान सागर है वो हमारा टीचर, जो सबकी सदगति करने वाला है, वरदान देने वाला है वो हमारा परम सदगुरु, और जो सच्चा साथ निभाने वाला है वो बना है हमारा खुदा दोस्त, वो बना है हमारा प्रियतम माँ, वो हमारा सुप्रीम सर्जन भी है, हमारा बंधु भी है। सोच लें कितने श्रेष्ठ नाते उस एक से हमारे जुड़ गए हैं। हमें इसकी खुमारी हो जाए, इसका नशा चढ़ जाए, वाह जो भगवान है वो हमारा रिश्तेदार, वो हमारा और सब कुछ देने के लिए हमारा बना है। हम उससे सब कुछ ले लें इस जीवन में। मनुष्य को श्रेष्ठ संबंधों की अनुभूति सबसे सुंदर होती है। संबंधों में यदि कड़वाहट है, संबंधों में यदि अपनापन नहीं स्वार्थ है, तो जीवन जीने का आनंद नहीं आता। और अपने संबंध देखें स्वयं भगवान से अति सुखद, हमें हमेशा सहयोग देने में तत्पर, जब भी बुलाओ हाजिर, तो हम इस संबंध के अनुभव में मग्न हो जाएं और इन संबंधों के सहयोग को प्राप्त करें। एक एक संबंध से हमें बहुत सहयोग मिलता है और बाबा ने कह दिया है जब सहयोग देने वाला तुम्हें निरंतर सहयोग दे रहा है तो तुम लेने वाले सहयोग क्यों नहीं लेते हो। तो आइए हम इन संबंधों की अनुभूति में खो जाएं और उनसे सहयोग लेते रहें, बना लें उसको अपना दोस्त, बना लें उसको अपना प्रियतम। बाप टीचर और सदगुरु तो वे हम सबके लिए हैं ही, लेकिन इन तीनों का नाता, इन तीनों के संबंधों का सुख भी बहुत जबरदस्त है। बाप के रूप में उसके प्यार की पालना का अनुभव करें, टीचर के रूप में उसने हमारी सारी खोज समाप्त कर दी, अंधकार विलीन कर दिया अनुभव करें। सदगुरु के रूप में वरदान दे दिए, शक्तियां दे दी, वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया, गुरु मंत्र दे दिया उसने, माया को वश करने का मंत्र। इन सब चीजों के सहयोग को अनुभव करें। कोई बीमारी हो जाए आह्वान कर ले, हे सुप्रीम सर्जन आ जाओ, इसको ठीक करो, और अनुभव देखें। कहीं मन की बात करनी है खुदा दोस्त आ जाओ, जिसका दोस्त ही स्वयं भगवान हो उसको और किसी के साथ की कहाँ जरूरत है, उसे अपना साथी बना लें, उससे बातें करते रहें और देखें कैसे वो मन को हल्का करता है, कैसे हमारी सभी बातें सुनता है और हमें अपने प्यार की, फ्रेंडली प्यार की अनुभूति देता है, अपनेपन की अनुभूति देता है। तो ये बहुत ही समझदारी की बात है कि हम भिन्न भिन्न कर्मों में उसको अपना साथी बना लें। देखिए यदि सजनी अपने को कमरे में बंद ही रखेगी तो साजन से मिलन कैसे होगा। ये देह रूपी कमरा, इसमें यदि हम अपने को बंद कर देंगे तो जो परम प्रियतम है उसके सुंदर अनुभवों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस कमरे से बाहर निकलकर उसके पास चला करें चमकीली ड्रेस पहनकर, और कभी उसको अपने पास बुलाया करें तो खुदा की दोस्ती का बहुत ही सुंदर अनुभव सबको करना है। भोजन बनाएं, भोजन खाएं, परम प्रियतम को अपने पास बुला लें। तो आज एक लिस्ट तैयार करें कि भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न कर्म में हम कैसे उसका सहयोग लेंगे, कैसे उसका साथ लेंगे।
इससे हमारा सारा दिन प्रभु प्रेम में मग्न स्थिति में बीतने लगेगा। तो आज सारा दिन इसी स्वमान और नशे में रहेंगे, मैं कौन और मेरा कौन बन गया है, बस ये आवाज गूंजती रहे और जो मेरा है उसकी किरणें ऊपर पड़ती रहें। ओम शांति।